कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच बेहतर परिवहन संपर्क स्थापित करने के लिए घाटी में निर्मित नई रेलवे लाइन का रेलवे ने ट्रायल रन किया। रेलवे अधिकारियों ने राज्य के उधमपुर जिले से कटरा तक सफलतापूर्वक एक बिजली के इंजन का संचालन किया। ये ऐसा है कि ये DMT है, डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रेन। ये 53 वैगन्स है इसमें, जो ये कंक्रीट वगैरह लाइनों में डाल रहे हैं, और ये अभी चलेगा, कोई 5-7 दिन काम और चलेगा इसका, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। फिर इसके कोशिश करेंगे गाड़ी चलाने की इसके ऊपर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजीव सब्रवाल के मुताबिक आने वाले दिनों में इस रेलवे लाइन पर और भी परीक्षण किए जा सकते हैं। उधमपुर से कटरा के बीच शुरू की गई इस रेलवे लाइन से यात्रियों खासकर श्रद्धालुओं को कटरा तक पहुंचने में काफी सुविधा हो जाएगी। इस नई रेल सेवा की घोषणा पिछले साल बजट में की गई थी। अगर ये सेवा कामयाब रहती है तो आने वाले दिनों में इस लाइन पर और भी रेलगाड़ियों का परिचालन संभव हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।